और जम्मू कश्मीर से चार दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है, इस पूरे मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपको सीधे लिए चलते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उनको मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद। नहीं, अभी ड्राइवर फरार है। सर ये बताएंगे कितनी बड़ी कामयाबी, क्योंकि इतनी संख्या में हथियार गोला बारूद अपने साथ लेकर जा रहे थे, अगर आपने नापाक मंसूबे में कामयाब हो जाते तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था, कितनी बड़ी आपके लिए बात है कामयाबी की? देखिए, जो हथियार और असला एमिनेशन जो बरामद हुआ है, ये पिछले कुछ सालों की हिस्ट्री में सबसे बड़ी खेप है। आप ये मान के चल लें कि हर आतंकवादी के पास तीन बड़े हथियार और एक छोटा हथियार था, जो कि अपने आप में आज तक सबसे पहला ऐसा वाकया है जिसमें कि इतनी बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए। ऐसा लगता है कि इनके मंसूबे काफी बड़े थे जिनको विफल कर दिया गया है। इनका रूट क्या था, ये कहां से आए, कोई ट्रक का ट्रैक हो पाया कि वो कहां से आ रही थी, कहां? ये सब तफ्तीश का मामला है, अभी तफ्तीश शुरुआत हुई है, एनकाउंटर साइट को क्लियर किया जा रहा है, पहले हम एरिया को सैनिटाइज कर दें, वहां पे सब कुछ सामान्य कर दें, और साथ साथ हमारी इन्वेस्टिगेशन चलती रहेगी। जो ही इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस करेगा, हमें इस पे और प्रकाश डालने की का मौका मिलेगा। जिस तरह के हथियार बरामद इनसे हुए हैं, ऐसा लगता है कि जैश ए मोहम्मद के हैं, लेकिन पुख्ता हम इस पे टिप्पणी तफ्तीश के बाद कर सकें। सर सुनील शर्मा आज तक रिसेंटली टू टेररिस्ट वर अरेस्टेड इन दिल्ली बिलोंगिंग टू जैश ए मोहम्मद, सो यू सेड दैट यू हैड प्रायर इंटेलिजेंस इनपुट्स, इज इट कनेक्टेड विद दैट? आपको वहां से जानकारी मिली थी दिल्ली? ऐसी दिल्ली में जो आतंकवादी पकड़े गए हैं उनसे इनका लिंक है या नहीं है, इस पे मैं अभी टिप्पणी नहीं कर सकता, ये तफ्तीश का मामला है। आपने कहा कि इंटेलिजेंस इनपुट से, क्या वहां से आए थे, दिल्ली से इनपुट आए थे, दिल्ली पुलिस से? इंटेलिजेंस इनपुट का स्रोत बताया नहीं जाता। सर ये जो चारों आतंकी जो मुद्दे में मार गिर रहे, क्या ये चारों पाकिस्तानी थे और इंफिल्ट्रेशन? ये कहना अभी मुश्किल है कि ये पाकिस्तानी थे या कहीं और के थे, लेकिन इतना जरूर है कि ये बड़े आतंकवादी थे जिस तरह से इनके पास हथियार बरामद हुआ है। ऐसा संभव है, इस पे तफ्तीश की जा रही है। डीजी साहब ने कहा सांबा रूट से कहीं ये निकले हैं, तो क्या ये एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है इसमें कुछ? जो पहले के का ट्रेंड रहा है, जो पिछली बार जिस तरह से आए थे, ऐसा हो सकता है, इस पे और तफ्तीश की जा रही है। तो रिपीटेडली ये इंट्रूड कर रहे हैं बॉर्डर पे विदाउट, मतलब तीसरा चौथा साल में एक, तो हम क्यों प्लग नहीं कर पा रहे? जब चैलेंजेस जब हो रहे हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज, जब इन्वेस्टिगेशन एक मकाम पे पहुंचेगी और अगर ये कंफर्म होता है कि ये इन्फिल्ट्रेशन है, तो इस पे और प्रकाश डाला जाएगा। सर डीडीसी के चुनाव है, आपको लग रहा है कि बड़ी चुनौती रहेगी सुरक्षा के लिहाज से, देखा जाए तो क्या एक्स्ट्रा अलर्ट है साहब को की जरूरत है, और लगातार जिस तरह से पाकिस्तान की ओर से सीज फायर वायलेशन हो रहा है, एलओसी हो, आईपी हो, क्या लगता है आपको कि किस कदर जो है आतंकियों की मंशा यही है कि क्या डीडीसी इलेक्शन पर खड़े डाला जा सके? डीडीसी इलेक्शन के मुतल्लक हमारी डिप्लॉयमेंट और फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट, जिसमें सीआरपीएफ हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के चल रही है, काफ़ी पुख्ता है जम्मू प्रांत में, और हम ये इंश्योर करेंगे कि किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम ना दे पाए आतंकवादी। अभी उसकी तलाश जारी है। लार्जर मुद्दे पे बात करने की कोशिश हो रही है, आपको लगता है कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि कैंप 5 जा। तो जम्मू कश्मीर और सीआरपीएफ की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हालांकि सटीक जवाब दे रहे थे दोनों अधिकारी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी उनसे पूछताछ जारी है, ये दहशतगर्द एक बड़े आतंकवादी हमले की साजिश को अंजाम देने के लिए आए थे। इनके पास से 11 AK-47 29 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं, इनके पास से खाने पीने की चीजें भी बरामद किए गए हैं। 3 घंटे तक यह एनकाउंटर चला है और उसके बाद इनसे पूछताछ हो रही है। चारों आतंकवादियों को मार गिराया था। जी हिंदुस्तान ने सबसे पहले इस खबर को आप तक पहुंचाया। नरगोटा एनकाउंटर में सीआरपीएफ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जम्मू कश्मीर पुलिस उसके साथ में थी, उन्होंने बताया कि उनसे पूछताछ की जा रही है और इसमें कई बड़े खुलासे होंगे।
और इस वक्त की बड़ी खबर, जी हिंदुस्तान पर मुंबई जैसे हमले की बड़ी साजिश रचने की कोशिश की गई थी और उसके अलावा उनके खतरनाक मंसूबे थे, लेकिन उनके मंसूबों को जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया गया था। मुंबई हमले जैसी साजिश थी। जी हां, 26 जैसे बड़े आतंकवादी हमले की साजिश थी क्योंकि चुनाव नजदीक है, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों ने इन दहशतगर्दों के मंसूबों को नाकाम कर दिया है। मेजर जनरल एजी जैनी साहब हमारे साथ हैं और मेरे साथ मेरी सहयोगी शालिनी भी न्यूज रूम से जुड़ी हुई है। जैनी साहब, आपने सुना सेना और जम्मू कश्मीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने कहा कि 26/11 जैसे बड़े आतंकवादी हमले की प्लानिंग थी क्योंकि उनके पास से जो सामान बरामद किए गए हैं वो बहुत ज्यादा थे। बिल्कुल सही है सरफराज, इसका अपना असेसमेंट आप देखेंगे कि इतने सारी AK-47, इतने सारे ग्रेनेड, खाने पीने का सामान, कम्युनिकेशन का रेडियो सेट और जो बारूद मिला है, इससे बिल्कुल साफ होता है कि साजिश इनकी वेल प्लान और बहुत सोची समझी साजिश थी। साजिश काहे के लिए, क्योंकि ये सबको पता है कि अभी जो है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं, ग्रास रूट लेवल के डेमोक्रेसी के इलेक्शन होने वाले हैं, उसमें नहीं चाहता पाकिस्तान के ये इलेक्शन जो है भली भांति हो जाए वहां पर, और खलबली मचाना उनका जैसा पहले भी काम रहा है वही उनका इरादा था। और क्योंकि अभी जो वादी एरिया में वैली में जो घाटी एरिया है वहां बर्फ पड़ गई है, उधर से इन्फिल्ट्रेशन होना मुश्किल है, इसलिए सांबा के एरिया से ये लोग किसी ना किसी तरीके से आकर अंदर एक ट्रक को किसी। जैनी साहब आप मेरे साथ बने रहिए, मेरी सहयोगी तस्वीर एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा दें कि किस तरीके से जो सामान बरामद हुआ है वो अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि जहां पर ये ऑपरेशन हुआ उसके बाद में लगातार यहां पर ग्रेनेड बरामद हुए। एक्सक्लूसिव खबर जी हिंदुस्तान सबसे पहले आपको पहुंचा रहा है, ये एक्सक्लूसिव खबर है, इनके पास से ग्रेनेड बरामद हुए हैं। शालिनी मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ बनी हुई है। शालिनी, पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा है, लेकिन हमारी सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जिस तरीके से ग्रेनेड बरामद हुए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ है, क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल, और 26/11 हमले की जैसे सैफी हमने बात की है, मैं कहूंगी ये 26/11 हमले से भी बड़ा आतंकी हमले की साजिश थी। जैनी साहब, मैं कुछ चीजों की ओर आपका ध्यान लगाऊं, क्योंकि देखिए ये जो पूरी टीम जी हिंदुस्तान की बैठी हुई है, ये अभी 26/11 हमला और आज ये जो 19/11 में करने की प्लानिंग थी, हम उसी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। जैनी साहब और सैफी, अगर दर्शक इस बात के ऊपर गौर करें, देखिए मुंबई में दो लोग थे और 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, यहां तो 4 लोग थे सैफी। इसके अलावा इतना बड़ा जो जखीरा बरामद हुआ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अभी कश्मीर के अंदर बहुत से ऐसे दहशतगर्द बैठे होंगे जो इन्हीं जखीरों का इंतजार कर रहे होंगे और फिर उसके बाद इन्हीं हथियारों से, इन्हीं बारूद से कोई बहुत बड़ी आतंकी साजिश को वहां पर अंजाम दिया जा रहा था। ये 26/11 से मिलती जुलती बात है। इसके अलावा जिस तरह से हमने तब देखा था बाकायदा खाने पीने का सामान, किस तरह से समुद्र के रास्ते वो आए थे, ठीक इसी तरह से इस बार भी पूरी प्लानिंग थी। आप मेरे साथ बने रहे, मेरे सहयोगी रमेश बाली भी जम्मू से जुड़ गए हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं। रमेश, जिस तरीके से देश ने 26/11 हमला झेला, क्या उसी तरीके से 1911 की तैयारी थी इन दहशतगर्दों की? क्योंकि जिस तरीके से इनके पास से उपकरण बरामद किए हैं, यही गवाही देते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान की तो हमेशा से यही कोशिश रहती है कि जब भी जम्मू कश्मीर में कोई चुनाव शुरू होते हैं या जम्मू कश्मीर में एक शांति प्रक्रिया शुरू होती है तो पाकिस्तान इस तरीके की हरकत करता रहता है। आज जो सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर ये हथियार कश्मीर में पहुंच जाता या यहाँ पे वो लेके जा रहे थे तो बहुत बड़ी वो वारदात कर सकते थे, लेकिन सुरक्षा बलों की ये बहुत बड़ी कामयाबी है और उन्होंने इसको नाकामयाब किया है। अगर हम बात करेंगे जखीरे की, तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से इस तरीके की कोशिश हो रही है। अगर हम जम्मू कश्मीर के पुंछ की बात करें तो पिछले दिनों बिल्कुल सीमा के ऊपर भी इसी तरह का गोला बारूद जो बरामद किया गया था, जो ड्रोन के जरिए यहाँ पे लाया गया था। रमेश, आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे सहयोगी हितेन भी मेरे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। हितेन, जिस तरीके से मुंबई में 26/11 हुआ, 9/11 की तैयारी थी, दो दहशतगर्दों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था, उनसे जो पूछताछ में खुलासे हुए हैं, क्या इन दोनों के कुछ लिंक थे आपस में?
देखिए दोनों दोस्त थे, 20 और 22 साल की उम्र के लड़के थे, बच्चे थे, और शादी की खरीदारी करने के बहाने जो है वो जम्मू कश्मीर से दिल्ली आने की बात अब तक सामने आई है। हालांकि दोनों से लगातार दो दिन से जो है पूछताछ जारी है। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में दोनों को जो है अभी रखा गया, स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच जो है ये लगातार दो दिन से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में ये बात सामने आई है कि उनके व्हाट्सएप जो खंगाले गए उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली में एक और शख्स था, एक और व्यक्ति है जिसके कांटेक्ट में वो थे, और दिल्ली को दहलाने की ये साजिश उन दोनों ने रची थी। हालांकि क्या प्लान था ये अब तक खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन दिल्ली के कई ऐसे अहम ठिकाने थे, साथ ही साथ दिल्ली के ऐसे वीआईपीज भी थे जो उनके निशाने पर थे, सिर्फ इशारे का इंतजार कर रहे थे। लेकिन बिल्कुल हितेन मेरे साथ बने रहिए, जैनी साहब भी मेरे साथ हैं। जैनी साहब, जिस तरीके से ये पूरी प्लानिंग थी, दोनों आपस में दोस्त थे शालिनी, लेकिन एक बड़ी साजिश थी यहां पर इनकी, क्योंकि दिल्ली और जम्मू दोनों को अगर मिलाकर देखें तो देश को दहलाने की साजिश थी। बिल्कुल, देश को दहलाने की साजिश थी, और इस बार सिर्फ आम आदमी लोग नहीं थे, जैसा हमने मुंबई में देखा था कि आम मुंबईकर को निशाना बनाया गया था। इस बार की सैफी अगर हम बात करें, कहा जा रहा है निकाय चुनाव है, और इसी निकाय चुनाव में जो उम्मीदवार थे, खबर जो मुझे अभी मिल रही है, जो उम्मीदवार वहां पर खड़े हो रहे उन्हें निशाना बनाया जाता, जो वहां पर पब्लिक गैदरिंग होती, जो चुनावी सभा हम देखते हैं अमूमन होती है ऐसे किसी भी चुनावों में, उनमें निशाना बनाने की आम लोगों की यह साजिश थी। इसके अलावा जो वीआईपी वहां पर पहुंचते, क्योंकि केंद्र से भी कुछ बड़े लोग वहां पर जा सकते थे, उन सबको निशाना बनाने की यह साजिश थी। मतलब एक तीर से दो निशाना, निकाय चुनाव है, नेताओं को निशाना बनाओ, उम्मीदवारों को निशाना बनाओ, घाटी में दहशत पैदा करो और लोकतंत्र को खत्म करो। और इसके साथ वो जो गैदरिंग है वहां पर, उसमें आम लोगों को निशाना बनाओ। कश्मीर का मैं रुख कर लूं, बाली मेरे सहयोगी वहां से मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी फिलहाल, क्योंकि बाली हमने देखा किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि ये दिल्ली और कश्मीर का तार तो नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन बाली ये जैश के आतंकवादी हैं, पाकिस्तान से तो है ही इनका कोई ना कोई नाता। चलिए बाली के पास चलेंगे, जैनी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैनी साहब, एक बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से घाटी में दहशतगर्दों का सेना ने और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सूपड़ा साफ कर दिया, पाकिस्तान लगातार अपनी नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश करता है, एक तरफ सीज फायर का लगातार उल्लंघन कर रहा है और दूसरी तरफ अपने दहशतगर्दों को भेजकर लगातार ये कोशिश कर रहा है, क्योंकि 250 से 300 दहशतगर्द लगातार हिंदुस्तान की सरहद में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, आपकी सोच सही है। देखिए, जब ये अभी तक किसी ग्रुप ने इस एक्शन को ओन अप नहीं किया है, किसी ने ये नहीं कहा कि हमने किया है, क्योंकि आमतौर पर कोई ना कोई या तो जैश मोहम्मद हो या हिजबुल मुजाहिदीन हो या लश्कर तैयबा वाले हो, ऐसी जब कार्रवाई हो जाती है। लेकिन सर इन्होंने नाम तो इतने सारे बदल दिए, उनकी पहचान कर पाना मुश्किल है, कभी जैश मोहम्मद, कभी लश्कर तैयबा, कभी जमात उद्दावा, कभी किसी नाम से, हो सकता है एक नया नाम सामने आ जाए या कुछ देर के बाद अगर कोई बड़ा हमला हो जाता खुदा ना खास। लेकिन हमारे सेना के जो जवान थे, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान थे, उन्होंने इनकी साजिशों को नस्तो नाबूद कर दिया और उनको मौत के घाट उतार दिया, वरना तो कोई ना कोई इस हमले की जिम्मेदारी ले ही लेता। इसमें सरफराज जरूर ओन अप करेगा, क्योंकि जो लोग इनके मर जाते हैं उनको ये शहीद का तकमा देते हैं, तो ये ओन अप हो जाएंगे कल तक कि ये हमने किया था, हमने कोशिश करी थी। लेकिन ये मानी हुई बात है कि बहुत बड़ी साजिश थी जो नकारी की गई है। अगर ये निकल गए होते और ये घाटी में पहुंच गए होते तो बहुत तबाही मचा सकते थे, जितना की के असला और साधो सामान इनके पास में था। इनके लिंकेजेस होते हैं, इनके ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड सपोर्टर्स होते हैं, स्लीपर सेल्स होते हैं, तो जो दिल्ली में दो लोग पकड़े गए उनसे भी लिंकेज ये तो तफ्तीश बताएगी, लेकिन इनके लिंकेजेस जो बाहर आएंगे तो हो सकता है कि इससे भी और बड़ी साजिश का खुलासा इनका। जैनी साहब, मुझे याद है कि जिस तरीके से लश्कर ए तैयबा, जमात उद दावा या जैसे मोहम्मद लगातार अपने आतंकवादियों को ट्रेनिंग देता रहा है, जिसे दौरा आम और दौरा खास कहते रहे हैं, मुझे लगता है कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की पुलिस ने और सेना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीआरपीएफ की, उन्होंने बताया था कि ये बड़े आतंकवादी हैं, किसी बड़े आतंकवादी हमले को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ दो दिन पहले दिल्ली की स्पेशल सेल ने दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उधर ट्रक के जरिए घाटी में पहुंचे थे, यानी एक बड़ा साजिश था, एक बड़े हमले की प्लानिंग थी। जी, मैं आपको सरफराज लिंकेज और साथ जो इनकी साजिश है उसके बारे में ऑलरेडी कह चुका हूं कि जरूर इसमें लिंकेजेस हैं। अब आप देखें कि जब इनकी आइडेंटिफिकेशन निकलेगी
जो ये आज मारे गए हैं नगरोटा में, तब पता चलेगा कि ये किस ग्रुप के थे और किस लेवल के थे, एरिया कमांडर थे या डिव कमांडर थे या कौन कंसल्टेंट बड़े इनके जो टाइटल दे रखे हैं इनको। जैनी साहब, शालिनी भी मेरी सहयोगी मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ी हुई है, वो भी आपसे सवाल करेंगी। शालिनी सवाल पूछिए। जैनी साहब, मैं निकाय चुनावों से जोड़ते हुए इसे अगर देखने की कोशिश करूं तो आपको किस तरह की बू आ रही है इस पूरी घटना के अंदर, आपको किस तरह की बू आ रही है सर? क्योंकि इनपुट हमें फिलहाल यही मिल रहा है कि वहां जो उम्मीदवार थे उन्हें, जो आम लोग वहां पर भीड़ में जुटते उन्हें निशाना बनाने की ये साजिश हो सकती थी, तो क्या निकाय चुनाव से जोड़ करके, क्योंकि टाइमिंग बड़ी मैटर करती है सर। हाँ, इनका मेरे राय में तो यही मुद्दा था कि घाटी में जाकर और आतंक फैलाना, जो उम्मीदवार हैं उनमें से कुछ को मारना, बाकियों को डराना, सिविल पब्लिक में जो इनोसेंट हैं उनके ऊपर में दहशतगर्दी करना और ये माहौल को बिगाड़ना, ताकि के इलेक्शन या तो रोक दिए जाए या फिर वो डिसरप्ट हो जाए और डर के मारे। बिल्कुल जैनी साहब, हमारे साथ बने रहिए। शालिनी आप भी मेरे साथ बने रहिए, और जम्मू कश्मीर से भी रमेश वाली मेरे साथ हितेन जुड़े रहेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं और इसी बड़ी खबर पर जी हिंदुस्तान की नजर बनी हुई है, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात यह है कि 26/11 जैसे बड़े आतंकी हमले की साजिश थी, जिसको 9/11 हम कह सकते हैं, लेकिन जी हिंदुस्तान ने सबसे पहले इस खबर को अब तक पहुंचाया था और लगातार इस सबसे बड़ी खबर पर जी हिंदुस्तान की टीम बनी हुई है। में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।